साल में 5 दफा नमाज पढ़ने की कवायद है, इसकी सैंपलिंग संगम युग पर कैसे लग रही है? कोई देहधारी धर्मगुरु हुए होंगे जिन्होंने डायरेक्शन रिले किया होगा। बाबा ने कहा श्वासों श्वास याद करना है, क्या श्वासों श्वास याद करना है। उन्होंने डायरेक्शन निकाला दिन में कम से कम 5 बार याद करना है। ये डायरेक्शन कौन से धर्म की आत्मा ने निकाला होगा? जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली होगी उसी ने निकाला होगा। जैसे मम्मा ने शरीर छोड़ा तो ब्रह्मा बाबा ने उनका शरीर जो है मम्मा का वो नक्की लेक के किनारे जाकर के दाह संस्कार कराया। ये भारत की परंपरा हुई या विदेश की परंपरा हुई? भारतीय परंपरा है, क्योंकि भारत के जो लोग हैं भारतवासी पक्के पक्के सूर्यवंशी, वो इसी जन्म में अपना देह का भान राख कर देते हैं जला भुना के, अगले जन्म में उनका देह भान जाने वाला नहीं है, पक्की आत्मा बन जाते हैं, देवान सारा स्वाहा हो जाता है। उसकी यादगार में हिंदुओं में आज भी देह को जलाते हैं, वो भक्ति मार्ग वाले देह को जलाते हैं। है वास्तव में किसको जलाने की बात? देह भान को जलाने की बात है। और दूसरे धर्म वाले देह को जलाते नहीं है, देह भान को जलाते नहीं है, कुछ न कुछ देह भान रह जाता है, कुछ न कुछ कुछ देहवान रूपी मिट्टी रह जाती है जिसमें दब के खत्म हो जाते हैं। उनके जन्म इसलिए कम हो जाते हैं, पक्की आत्मा नहीं बन पाते, 84 जन्म नहीं ले पाते। इसलिए दूसरे धर्मों में ये प्रथा प्रचलित है, क्या कि वो जलाएंगे नहीं, कुछ न कुछ देहवान बना रहे, इसलिए मिट्टी में देहवान की मिट्टी में दबा देंगे। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये शूटिंग किसी ने चालू की, मम्मा को तो अग्नि में दाह संस्कार किया गया और नक्की लेक में ले जाके किया, माना जहां ज्ञान जल का आगार हो या ज्ञान जल की नदी बहती हो या सागर का कंठा हो वहां जाकर के दाह संस्कार करते हैं। मुसलमान क्या करते हैं? हैं? हाँ, कब्र में दफना देते हैं, यादगार मॉन्यूमेंट बना देंगे। तो ब्रह्मा बाबा का भी किसी जलाशय के किनारे ले जाके नहीं दफनाया गया, वहीं प्रांगण में आंगन में ही उनका क्रियाकर्म किया और मॉन्यूमेंट क्या नाम दिया उसको? शांति स्तंभ। तो ये कब्र बनाने की प्रथा भी इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में पड़ता है। मुसलमानों ने भारत में आकर के भारत के शास्त्रों को भाड़ों में भून दिया, फाड़ फाड़ करके जमीन में गाड़ दिया, नदी में फेंक दिया। यहां भी ये शूटिंग होती है। कोई भी धर्म वाले अपनी धर्म पिता की वाणी का बहुत कदर करते हैं, लेकिन भारतवर्ष में
शास्त्रों की बहुत कदर करते हैं, समझते हैं भगवान के मुख से ये वाणी निकली है, वेदवाणी कहा जाता है। लेकिन ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में बाबा के मुख से निकली हुई वाणी का कदर नहीं हुआ। सारी वाणियां 5 साल की वाणियां ही उपलब्ध हो रही है, जबकि मुरली निकलती चली आई है कराची से, कराची से लेकर के 68 तक की मुरलियां सारी गायब हो गई, फाड़ फाड़ करके फेंक दिया। जैसे भगवान की वाणी की कोई वैल्यू नहीं, उसको विचार करने की जरूरत ही नहीं। तो साधारण मनुष्य होते हैं, उनकी वाणी के ऊपर लोग विचार करते हैं, इसका गुहार से क्या है, क्या बोला, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो शूटिंग होती है हर बात की, है ये 5 बार नमाज पढ़ने की भी शूटिंग यहाँ होती है, और जब नमाज पढ़ते हैं तो कानों में उंगली रहने की भी शूटिंग यहाँ होती है। कैसे, किसी की बात मत सुनो, कान में उंगली दे लो, शिव बाबा को याद करो, अल्लाह हो अकबर, और बहुत द्वापर कलयुग में भी ऐसी आत्माएं हुई हैं जो प्योरिटी को धारण करती रही हैं। जैसे ये इस्लामियों में या मुसलमानों में किसके मुश्किल हैं, क्या बोलते हैं, हीर रांझा, लैला मजनू, ये हीर रांझा की कहानी की कोई हिस्ट्री नहीं है, ये संगम की यादगार है। पहाड़ काट करके नदी निकाली, ये संगम युग की बात है। पहाड़ जैसे खड़े हुए विघ्न को खत्म करना और फिर ज्ञान की नदी बाहर करके बाहर लाना संसार के सामने, जिसको शास्त्रों में लिख दिया है ज्ञान की गंगा लाए, भागीरथ का काम हुआ, उसको हिंदुओं में भागीरथ नाम दे दिया है, मुसलमानों की कथा में उसको हीर और राजा नाम दे दिया है। और बाबा जब संपूर्ण विनाश होगा तो सभी 5-7 करोड़ आत्माएं जाएंगी, पशु पक्षी हैं इनकी आत्माएं भी चले जाएंगी, हो रह जाएंगी क्या है? मनुष्य इतने उपक्रम कर लेता है, अंडरग्राउंड बना लेता है, एटम बमों का विस्फोट होता है, भूकंप आते हैं, अंडरग्राउंड में चला जाता है, अपने को सुरक्षित करने का प्रयत्न करता है, जीव जंतु तो कुछ भी प्रयत्न, वो कैसे बचेंगे, उनके बचने का कोई तरीका है क्या? वो भी जाएंगे। और जीव जंतु तो सब मनुष्यों की सुरक्षा के लिए और मनुष्यों के लिए मनोरंजन पैदा करने के लिए है, और जीव जंतु जो हैं वो उनमें मन नहीं है, उनमें बुद्धि नहीं है उतनी, मनुष्य तो बौद्धिक प्राणी है, मननशील चिंतनशील प्राणी है। तो मनुष्यों के लिए सारी दुनिया है और सारी दुनिया मनुष्यों के आधार पर टिकी हुई है। मनुष्य जब परिवर्तन होते हैं तो सारी दुनिया परिवर्तित हो जाती है, मनुष्य वाइब्रेशन बनाते हैं तो सारी दुनिया का वाइब्रेशन सुधर जाता है। जानवर वाइब्रेशन बनाएंगे क्या? जानवरों को मन होता है क्या? वो मन को कंट्रोल करेंगे क्या? हाँ जी, ब्रह्मा बाबा को जन्म देने वाले जगदम्बा और जगत्पिता पिता है, लेकिन उनकी बुद्धि में ये बात आई नहीं कि ये मेरे माँ बाप हैं। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ये बात नहीं आई, तो बच्चा बुद्धि किसे कहा जाए? बच्चा ये जानता है, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो छोटा बच्चा जानता है मेरे माँ बाप कौन है,
माँ को फिर भी भले पहचान ले, लेकिन बाप को नहीं पहचानता, इसलिए माँ तो फिर भी यज्ञ में रही। जगदम्बा माता यज्ञ में ब्रह्मा बाबा के साथ रही, लेकिन बाप की पहचान ब्रह्मा को नहीं हुई, इसलिए जो संस्था बनाई 47 में उसका नाम क्या रख दिया, माउंट आबू में आके उसका नाम रख दिया ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। प्रजापिता भी होना चाहिए, ये उनकी बुद्धि में नहीं आया। उसका प्रूफ है, उसका प्रूफ है कि शुरुआत से ही ब्रह्मा कुमारी विद्यालय लिटरेचर में छपे हुए, कहीं भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नहीं छपा हुआ। अभी भी वो अपने नाम के आगे प्रजापिता नहीं लिखते हैं। हाँ, डॉक्टर जो के पहले की हिस्ट्री नहीं मिलती है, और डॉक्टर जो के आदि में धर्म अर्थ विनाश होगा, उसमें डॉक्टर जी की 8 करोड़ आत्माएं बचेंगी, वह कैसे बचेंगी? और एक एक, एक, एक बात पूछो। नहीं, इसी में है। और हाँ, जो भी बात पूछे हैं एक बात पूछिए, इकट्ठी नहीं। हाँ, द्वापर युग से पहले की हिस्ट्री नहीं मिलती है। द्वापर युग से पहले की हिस्ट्री नहीं है मनुष्यों के पास, क्योंकि द्वैतवादी युग था ही नहीं, दो दो बातें थी ही नहीं, एक ही सच्चाई थी। अद्वैत युग था क्या? दूसरा कुछ था ही नहीं, कोई प्रकार का झगड़ा था ही नहीं, तो हिस्ट्री किस बात की लिखे? और द्वापर युग के आदि में अर्ध विराज होगा, होता है होता है, उसमें द्वापर युग की 8 करोड़ आत्माएं बचेंगी, वह कैसे बचेंगे? 0.5 करोड़ आत्माएं बचेंगी, 8-10 करोड़ आत्माएं बचेंगी, कैसे बचेंगी? 8-10 करोड़ आत्माएं बचेंगी नहीं, विनाश होने से पहले, अर्ध विनाश होने से पहले 8-10 करोड़ की दुनिया की आबादी होती है, दुनिया माने भारतवर्ष की, बचेंगी नहीं इतनी। हाँ, अर्ध विनाश होगा उस समय, विनाश होने से कैसे? भूकंप आता है, तो वो कैसे बचेंगे? वो इसी तरह बचेंगी जैसे अभी भूकंप आते हैं, जैसे भुज में भूकंप आया तो सब मर गए क्या? कुछ बचे ना, तो ऐसे ही वो अर्ध विनाश तो अभी के जितने भूकंप आए हैं हिस्ट्री में उनके मुकाबले तो बहुत भयंकर था, तो कुछ न कुछ थोड़े बहुत बचते हैं, ऐसे नहीं सब खलास हो जाते हैं। जैसे अभी संपूर्ण विनाश होगा तो 500 करोड़ मनुष्य शरीर सब खलास हो जाएंगे क्या? है, सब खलास हो जाएंगे? नहीं खलास हो जाएंगे, कुछ न कुछ बीज जरूर बचेंगे। तो ऐसे ही वहां भी द्वापर के अंत में जो अर्ध विनाश होता है उसमें और धर्म के जो भी बीज हैं, जो सृष्टि के आदि में भी थे, वो बीज जरूर बचेंगे। बीज का कभी विनाश नहीं होता। और जो बचेंगे उनको साधु सेवा की समृद्धि कैसे भूलेंगे? जो बचेंगे 8-10 करोड़, मतलब 8-10 करोड़ तो विनाश से, अर्ध विनाश से पहले की बात है। हाँ, नहीं, वो उनको साधु और सेवा की समृद्धि कैसे भूलेंगे? उनको कोई स्मृति नहीं रहती है। जैसे किसी आदमी को भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे एक्सीडेंट के बाद उसे स्मृति सब गायब हो जाती है, ऐसे ही वो अर्ध विनाश भी इतना भयंकर होता है कि सत्य को त्रेता की सारी स्मृति गायब हो जाती है। बाबा, हाँ, ये महाभारत में शिखंडी का पाठ बताया है, जो वो इस समय शिखंडी कौन है? इस समय शिखंडी शिखा अंडी क्या? कोई चोटी का ब्राह्मण ही होंगे, कैसे ब्राह्मण होंगे? चोटी के ब्राह्मण होंगे लेकिन अंडी बच्चे होंगे।
क्या होंगे चोटी के ब्राह्मण, लेकिन जो चोटी के ब्राह्मण हैं उनके अंडी बच्चे हैं। ओ सूर्यवंशी होंगे या चंद्रवंशी होंगे? अंडी बच्चे होंगे माना बीज तो होंगे, बीज तो होंगे लेकिन रचयिता नहीं होंगे। क्या होंगे? रचना होंगे। माना रुद्रमाला में भी कोई ऐसे हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी जिनमें सूर्यवंशी है रचयिता, और रुद्रमाला में जो चंद्रवंशी हैं वो ऐसे अंडी बच्चे हैं जो भाव स्वभाव से कुछ समय पुरुष का पार्ट बजाते हैं और कुछ समय स्त्री का पार्ट बजाते हैं। जैसे रुद्रमाला में जगदम्बा है, चोला स्त्री चोला है, लेकिन रुद्रमाला के बच्चों को लक्ष्य क्या मिला हुआ है? नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। तो रुद्रमाला के जो भी मणके हैं वो पुरुष स्वभाव के हैं या स्त्री स्वभाव के? तो स्वभाव संस्कार से तो जगदम्बा भी क्या होगी? पुरुष स्वभाव की है, वो किसी से कंट्रोल्ड होने वाली नहीं है। राज करेगा खालसा, कंट्रोल करेगी, किसी से कंट्रोल्ड होने वाली, तो पुरुष वृत्ति के संस्कार हुए या स्त्री वृत्ति के संस्कार हुए? पुरुष वृत्ति के संस्कार। लेकिन चोला, चोला स्त्री का है। तो लास्ट जो टाइम होगा कंचन काया बनने का, उसमें स्त्री रूप ही रहेगा या पुरुष रूप हो जाएगा? हार्मोन्स चेंज होंगे या नहीं होंगे? हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे, तो आधा समय स्त्री और आधा समय पुरुष। ये महाभारत में एक रूप दिखाया है। और बाबा जगदम्बा ने ज्ञान का वजन सबसे ज्यादा उठाया, तो प्रैक्टिकली ऐसा क्या किया? 1983 से जब से समर्पित हुई है, ज्ञान का वजन ज्यादा उठाया मतलब क्या है? एक होता है ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर लेना, प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान उतार लेना, उससे अपना भी भला और दूसरों का भी भला। और एक होता है ज्ञान का बोझ तो ढोया, जैसे आज के सरस्वती आदि टाइटल धारण करने वाले वाराणसी के पंडित होते हैं, वो शास्त्रों का ज्ञान तो उठाते हैं, वजन तो ढोते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में नहीं होता। इसलिए मुरली में बोला है मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते। तो फिर ज्ञान का फायदा क्या हुआ? ज्ञान तो सारा है, ज्ञान का किया पैसा करने में अगर शास्त्रार्थ किया जाए, वाद विवाद किया जाए, तो कोई बड़ी से बड़ी ब्रह्मा कुमारी जगदम्बा का मुकाबला नहीं कर पाएगी। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में प्राप्ति, प्राप्ति क्या होती है? प्राप्ति स्थापना के आधार पर होती है या विनाश के आधार पर होती है? जितना स्थापना करेंगे उतनी ही पालना करेंगे, तो प्राप्ति बहुत होती है। जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है, इसलिए भारतवर्ष में माँ को कोई वर्षा परंपरा में नहीं मिलता रहा। इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ा? यहाँ ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में फाउंडेशन पड़ा। माँ का बच्चों में इतना जास्ती मोह हो जाता है कि वो अपनी परवाह
नहीं करती। अंधा लूला लंगड़ा कोड़ी कुब्जा काना चोर डकैत लुच्चा लफंगा जैसा भी बच्चा होगा उसको अपनी गोद से बाहर नहीं करना चाहा। ये मोह जो है वो माताओं को ले डूबता है, इसलिए बोला है माताओं ने अगर मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो समझ लो जगत जीत बन गई, पुरुषार्थ पूरा हो गया। देहभान ज्यादा होता है ना, देहभान ज्यादा होता है माताओं में, देह का होना पुरुषों में ज्यादा होता है या माताओं में ज्यादा होता है, कन्या माताओं में देह का ज्यादा, पुरुषों को इतना देहभान, पुरुष बड़े आराम से सन्यासी बन जाते हैं, नंगे होकर के घूमते हैं। स्त्रियां कोई ऐसे कर सकती है क्या? नहीं। इसलिए बोला है माता होती है साकारी और बाप होता है निराकारी। और बाबा शिवजी के चित्र में कृष्ण की मूर्ति को कैसे क्यों दिखाया गया? शिवजी के चित्र में कृष्ण की मूर्ति को कैसे क्यों दिखाया गया? अकेले? हाँ राधा के। वो तो पीपल के पत्ते पे दिखाई गई है ना, क्या जो कृष्ण की मूर्ति है वो पीपल के पत्ते पर दिखाई गई ना, वो कल्प वृक्ष की बात है। माता जी चित्र में क्या पहले लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दिखाते हैं, बाद में कृष्ण की मूर्ति दिखाते हैं मेरे तो से जो भक्ति चालू होती है ना, मैं पहले लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, नीचे कृष्ण की पूजा होती है सिंगल कृष्ण की। उन्होंने पूछा है सिंगल कृष्ण की पूजा क्यों होती है? सिंगल कृष्ण की पूजा इसीलिए होती है कि यहाँ शूटिंग हो जाती है, पहले मम्मा बाबा दोनों के चित्र लगाते थे, धीरे से कोई सौतिया दाह वाली ने ब्रह्मा वो मम्मा का चित्र वो कैसा है क्या नाम मम्मा का चित्र हटाई दिया और ब्रह्मा बाबा का चित्र लगा रहने दिया, ऊपर शिव ज्योति बिंदु नीचे ब्रह्मा बाबा और बाकी सब ब्राह्मण बैठे हुए। तो जैसी शूटिंग होगी वैसा ही तो बड़े ड्रामा में होगा। जून में जो पत्रिका निकलती थी ज्ञानामृत वगैरह वर्ण नहीं बोलू, हाँ मैं मम्मा का चित्र होता था वो प्रश्न है, आजकल उन्होंने जो मैगजीन निकाली है उसमें प्रकाशमणि दादी का चित्र है, मम्मा का मम्मा का था। अभी तो जैसे दुनिया में इलेक्शन वगैरह होते हैं तो जो भी गद्दी पर बैठने वाले होते हैं या गद्दी पर बैठते हैं उनके चित्र अखबारों में बहुत छपते हैं, जब नोट बनाएंगे तो नोटों पर भी उनका चित्र छापने लग पड़ेंगे। जैसे क्रिश्चियंस होते थे तो नोटों पर किसका चित्र छापते थे? त्रिमूर्ति का। जो भी किंग एडवर्ड फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड जो भी हुआ उसका चित्र छापा। तो ये भारतवर्ष के लोग जो है वो विदेशियों को फॉलो करने लग पड़ते हैं, यज्ञ में भी ऐसे ही होता है। और बाबा भक्ति वाली में तीन और दिल के सेवा गायना है और अशोक के वाली से लेकर जिनका भी अंतर 10 करोड़ है, हाँ जी, तो बाकी देव देवता कहाँ से आए? कोई भी धर्म की आत्मा आदि से लेकर के अंत तक आ देंगी या बीच में आना बंद कर देंगी? है कोई भी धर्म की आत्मा, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, जब आना शुरू करेंगी तो आते आते बीच में कभी रुक जाती है या अंत तक आती रहती है? अंत तक आती रहती है। ऐसे ही देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं अगर बीच में आना बंद कर दे तो उनके 84 जन्म होंगे या कम हो जाएंगे, उनके जन्म ही कम हो जाएंगे, फिर वो ऑलराउंड पार्टधारी कहाँ हुए? इसलिए 35 करोड़ आबादी होती है कलयुग के अंत में जाकर, ऊपर से जो भी आत्माएं उतरती है वो उन 33 करोड़ देवताओं में प्रवेश करती रहती है।
जो सबसे जास्ती जन्म लेते हैं वो ही सबसे जास्ती पतित बनते हैं। और ऊपर से आने वाली पावन आत्मा पतित में प्रवेश करेगी या पावन में प्रवेश करेगी? पतित में प्रवेश करेगी। और बाबा एक चित्र में शंकर को चार भुजा में दिखाया, शंकर को चित्र में चार भुजा में दिखाया, चार भुजा जैसी। शंकर जो है वो एक आत्मा का सम्मिश्रण है या कई आत्माओं का मेल है? हैं? तीन आत्माओं का मेल है, ब्रह्मा और राम वाली आत्मा, ये दो आत्माओं का संकरण हुआ। शिव तो दोनों में न्यूट्रल हो गया, उसको तो अलग कर दो, तो भाव स्वभाव की उसमें बात ही नहीं, तो दो आत्माएं हुई खास, राम और कृष्ण। फिर उनका विशेष सहयोग देने वाली कोई शक्तियां कोई आत्माएं होती है या नहीं? ब्रह्मा के साथ सरस्वती और राम के साथ सीता या शंकर के साथ पार्वती आदि भी, उस चारों आत्माओं का संकरण है, सहयोगी है विशेष एक दूसरे की, और अंत में उन चारों के संस्कार मिलकर के जब तक एक नहीं होंगे तब तक नई दुनिया की शुरुआत नहीं होगी। इसलिए ब्रह्मा को हजारों भुजाएं भी देते हैं, ब्रह्मा की हजार सहयोगी बन जाते हैं भुजाओं के रूप में, लेकिन शंकर के भुजाएं नहीं दिखाई जाती हैं हमेशा, सदा काल के उनके सहयोगी कोई बन नहीं सकते। इसलिए जगन्नाथ को भुजाएं दो हैं वो भी टूटी हुई, माने जो सख्त पार्ट होता है उसको आज से अंत तक कोई सहयोग नहीं कर, नहीं देते हैं नंबरवार शक्ति अनुसार सहयोग देते हैं, लेकिन आज से अंत तक सहयोगी कोई बन करके रहे ऐसा ऐसा नहीं होता। अगर कोई आत्मा कर्मों के हिसाब के कारण भक्ति अभी नहीं कर पा रही है लेकिन बाबा को पहचान लिया है तो उसका नंबर पहले होगा या भक्ति करने वालों का नंबर पहले होगा? बाबा को नहीं पहचान पा रही, बहुत सी ऐसी बांधेली माताएं हैं जो बाबा से मिली भी नहीं है, भक्ति नहीं की है, लेकिन पत्र इतने अच्छे अच्छे लिखती हैं कि वो जो भक्ति करने वाले हैं उनके अंदर इतने भाव नहीं आ सकते। सबसे जास्ती ही बांधेली माताएं याद करती हैं या पुरुष याद करते हैं या कन्याएं ज्यादा याद करती हैं? ज्यादा याद किसको आती है? बांधेली माताओं को जास्ती याद आती है, तो उनकी तो भट्टी 24 घंटे की हो गई, उनकी तो भट्टी ही भट्टी लगी पड़ी है। हाँ तो वही काम प्रश्न हो, तो प्रश्न है जिनको बोलते मिल सकते हैं आपसे, बच्ची के बिना मिल सकते हैं आपसे, उनकी धारणा देखी जाएगी। हाँ जी, बोला भी है आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखो, कोई न कोई देवान रह जाएगा, तब तक नहीं डायरेक्ट मिल पाएंगे। और मुरली में बोला है इस बात को मैं नहीं मान सकता,
कि बाप से मिलने के लिए कोई के पास पैसे न हो। हाँ, शारीरिक रूप से बूढ़ी बूढ़ी 80 साल की माताएं अमरनाथ की यात्रा करके आ जाती है, वो भी उस जमाने में जबकि कोई भी साधन नहीं मिलते थे। और आज आज तो कोई बीमार बीमार दुखी रोगी परेशान होता है, वो भी विलायत में जाके अपने इलाज करा के वापस आ जाता है। तो यहाँ तो चलने फिरने की भी बात नहीं है, ये सब बहानेबाजियां हैं। और कहीं दवा की कोई बात पूछता नहीं, कई माताएं डेट बात से मिली है उनका भान नहीं पूछता, उनके क्या बात, उनका अपना अपना हिसाब किताब है, सबको अपने अपने हिसाब किताब अनुसार ही प्राप्ति होगी। हाँ जी, और अब ये जो बूढ़ा अमरनाथ है उसका क्या बेहद में क्या अर्थ है? बूढ़ा अमरनाथ, बूढ़ा बूढ़े अमरनाथ के लिए इधर जाते होती है, तो बहुरूपी है, कभी बूढ़ा बन जाता है कभी नौजवान बन जाता है। अभी आजकल शंकर के चित्र बने हुए पट लेटा पड़ा है बच्चे के रूप में, तो वो तो बहुरूपी है। बूढ़े का मतलब है बहुत अनुभवी, थोड़ा अनुभवी नहीं। जो गुरुओं और साधकों, ऐसे तो बाबा ने मुरली में बोला है शिव बाबा कभी बूढ़ा होता ही नहीं। बाबा जो अभी जो गुरुओं और साधु संतों के पीछे लोग डेरों के लिए जा रहे हैं, उनको शिव बाबा का संदेश मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा कि बाबा ने बोला आगे चल के मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे ये सब चलने लग पड़ेंगे। क्या ये सन्यासी ऐसे मरेंगे जैसे पशु मरते हैं, इनके मुंह में कोई पानी डालने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि सब डरते हैं इनको ज्ञान कौन सुनाए जाके। ये जिंदगी भर जन्म जन्मांतर हमको ज्ञान सुनाते रहे, हमारे अहंकार के इन्होंने कभी किसी की बात मानी नहीं। और विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित होती है। मेरा नाम तो शिव ही है, मेरी बिंदी का नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं है। क्या जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो नाम बदल जाता है, तो शरीर का नाम पड़ता है। जैसे जैसे शरीर से काम होते हैं वैसा वैसा नाम पड़ता है। तो कोई शरीर के द्वारा रौद्र रूप अर्थात विकराल रूप धारण किया होगा, यज्ञ के आदि में भी एंटी ओम मंडली हो गई थी, विकराल रूप धारण किया था, नाम पड़ गया रुद्र ज्ञान यज्ञ। फिर यादगार बनी हुई है, रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों लाख शालिग्राम बनाते हैं। क्या करोड़ों नहीं बनाते हैं, लाख दो लाख शालिग्राम बनाते हैं, दो लाख भी नहीं बन पाते, बहुत टाइम लगता है। लाख शालिग्राम का गायन ज्यादा गायन है, इसका मतलब ये हुआ कि 9 लाख जो सितारे हैं उनमें 4.5 लाख हैं जन्म लेने वाले, वो तो रुद्रमाला के हैं ही नहीं, बीज नहीं है, जो जन्म देने वाले हैं वो 4.5 लाख है। हाँ 4.5 लाख, और उन 4.5 लाख में भी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वो थोड़े हैं,
बाकी और दूसरे वंश के हैं बीज, तो लाख दो लाख कहे जाते हैं। साढ़े चार लाख में भी सब धर्म की आत्माएं तो है ना, हर धर्म के बीज हैं, है जो बीज रूप स्टेज प्राप्त करते हैं शरीर रहते, तो उनकी यादगार बनी हुई है शालिग्राम के रूप में, उसमें बंधन दिखाया जाता है, माने जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। बाबा हिमाचल में जो मंदिर है ज्वालामाठा का, वहाँ पर जो झुके झुके हैं वो कैसे झुके हैं, शक्ति है माता की है, माता की शक्ति है क्या है वहाँ? वो ज्योति स्थूल जगती है कि ज्ञान की ज्योति जगती है? तो भक्ति मार्ग में जो भी अजीबो गरीबा सुनने में आता है देखने में आता है वो सब स्थूल बातें हैं, यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार है। और ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है? ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया, ब्रह्मा की रात और दिन, सो ब्राह्मणों की रात और दिन, प्रजापिता का दिन और रात गाया हुआ है। तो ब्रह्मा है चंद्रवंश और प्रजापिता है सूर्यवंश, तो जो नई दुनिया की शुरुआत होगी वो चंद्रवंशियों से होगी या सूर्यवंशियों से होगी? सूर्यवंशियों से होगी है? तो जहाँ सूर्य ही सूर्य है, चंद्रमा का प्रकाश सूर्य में मर्ज हो गया या सितारों का प्रकाश भी सूर्य में मर्ज हो गया, तो वहां चंद्रमा कैसे दिखाई देगा? वहां सूर्य की रोशनी ही रोशनी रहेगी, जैसे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने दिन ही दिन रहता है। संगम भी राधे कृष्ण के माँ बाप का गायन नहीं है, सती भी राधे कृष्ण की तो बात ही नहीं, सती भी राधे कृष्ण के माँ बाप की बात होगी? सती भी राधा कृष्ण, सती भी राम, त्रेता भी राम सीता, इनकी कोई हिस्ट्री मिलती है क्या? शास्त्रों में हिस्ट्री है? शास्त्रों में भी नहीं, कहाँ की हिस्ट्री है? संगम युग की बातें हैं, माने संगम युग में जो राधा कृष्ण है वो अलग अलग घराने के हैं, राधा है चंद्रवंशी और कृष्ण है सूर्यवंशी, और कृष्ण के साथ कंस दिखाया जाता है, तो वो कंस सतयुग में होता है या संगम युग में होता है? तो अभी कृष्ण भी है और कंस भी अपना काम कर रहा है। लोग पूछते हैं तुम्हारा भगवान है तो भागा भागा क्यों फिरता है? अरे तुम इतने शास्त्र पढ़ते हो, उन शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? कंस के डर से कृष्ण भगवान गांवों गांवों में छुपते फिरे, भस्मासुर के डर से शंकर भगवान सारी दुनिया में डोलते डोलते फिरे, रावण के डर से तुम्हारे राम भगवान जंगलों में मारे मारे फिरे। अरे वो भगवान नहीं तुम मानते क्या? कहाँ की भी यादगार है? संगम की यादगार है। और बाबा जो मंदिरों में शंकर की मूर्ति दिखाते हैं उनके सामने शिव की शिवलिंग दिखाते हैं और उसके ऊपर कल्प दिखाते हैं, शिवलिंग के ऊपर कल्प दिखाते हैं, उसमें बूंद बूंद पानी गिरता रहता है, उसका क्या मतलब? जो विग्रह दिखाते हैं शरीरधारी का वो है देहभान की यादगार, जब देहभान होता है तभी कोई याद करता है, जब देहभान खत्म ही हो गया
तो बिंदी बन गया ना, बाकी तो बात ही नहीं। लेकिन जब बिंदु रूप स्टेज बनती है, निराकारी स्टेज बनती है, जिस मुकर्रर रथ में शिव प्रवेश करता है और उसकी मुकर्रर निराकारी स्टेज बन जाती है, तो उसकी यादगार लिंग बनता है। लिंग इतना बड़ा होता है या उसमें बिंदु सुप्रीम सोल की यादगार है, बिंदु सुप्रीम सोल की यादगार है और लिंग जो है वो साकार विग्रह की यादगार है। जो साकार विग्रह को इंद्रियां तो हैं, लेकिन इंद्रियों के होते हुए भी इंद्रियों का भान जैसे नहीं है। भले ये संसार में कितनी भी ग्लानी होती रहे, वो कानों से एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ऐसे ही कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए भी किया किया न किया। हम कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं तो हमको याद आता रहता है जिंदगी भर, आता है कि नहीं? याद आता है। और उसको उसको याद नहीं आएगा। क्यों नहीं याद आता? क्योंकि निराकारी स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसमें मन एक के ऊपर आग्रह है, तो कोई की स्मृति ही नहीं है। जब स्मृति नहीं है तो जैसे भोग भोगा भोगा न भोगा। इसलिए ये बात समझ में आती है कि जो ऊपर कलश रखा हुआ है वो निराकारी स्टेज में जब नीचे उतरेगा तो बूंद बूंद ज्ञान टपकता है बुद्धि में। क्या जितनी जितनी हम निराकारी स्टेज में टिकेंगे उतना मनन चिंतन मंथन जास्ती चलेगा, मन बूंद बूंद ज्ञान टपकता रहेगा। सारा एडवांस नॉलेज एकदम आ जाता है बाहर, है टाइम लगता है। और एक प्रश्न और, एक मुझे में बोला आपको कौड़ी से सीधा बना, सीधे जैसा बनाएंगे। स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्री को अपने शरीर के अंगों का बहुत भान रहता है, देह भान रहता है, उसका शरीर कौड़ी मिसल होता है। आकार स्त्री के अंग का स्पेशल जो कौड़ी मिसल होता है, इस आधार पर उसको स्त्री कहा जाता है। और पुरुष जो है वो जिंदगी भर एंटीसेक्स को याद करते हैं। पुरुष किसे याद करेगा? स्त्री को याद करता है काम विकार की प्रधानता होने के कारण। तो ये पुरुष जब मरेगा तो स्त्री चोला याद आएगा? सारा जीवन जो याद किया तो अंत मते तो गते हो जाती है, तो उसको वही कौड़ी याद आती है। तो पुरुषों को तो कौड़ी याद आती ही आती है, लेकिन स्त्रियों में देवान होता है अपने अंगों का, इसलिए उनको भी वही याद आता है, इसलिए कौड़ी मिसल जीवन हो गया। अभी आत्मा में जो बुद्धि में, आत्मा माने बुद्धि, मन बुद्धि, मन बुद्धि में मरते दम तक क्या याद आता है? कौड़ी याद आती है, कौड़ी में लगाव लग जाता है, इसलिए कौड़ी में सल जीवन हो गया। और जिसकी बुद्धि निराकारी बन जाती है वो जैसे हीरा बन गया, उसमें ज्ञान ही ज्ञान टपकेगा। देह की याद चाहते हुए भी देह को याद करना चाहे तो भी नहीं याद आएगा। परमात्मा हीरा बनाने के लिए आएगा, हाँ, मन बुद्धि रूपी आत्मा को ऐसा बनाते हैं जिसमें हीरा ही चमक मारने वाला, ज्ञान की चमक मारने वाला हीरा ही याद आता है, इस तार ही याद आवेगा, बुद्धि नीचे नहीं उतरेगी। हाँ बहुत बड़े लोग बनते हैं, वो बोलते हैं तिरासी लाख जून होगी पशु दुखेरु बनेंगे, हम जब बन जाएंगे तो उनकी बुद्धि से कैसे निकलेगा कि पशु नहीं बनेंगे, तो कैसे समझाना पड़ेगा उन्हें? बताना पड़े कि कोई भी बीज होता है तो बीज में अपने संस्कार होते हैं कि नहीं? बीज में जैसे संस्कार होंगे वैसा ही वृक्ष तैयार होगा।
आम का बीज होगा तो आम का दरख्त बनेगा, आम के फल निकलेंगे। बैंगन का बीज होगा तो बैंगन का पौधा बनेगा और बैंगन ही उसमें पैदा होगा। ऐसे थोड़े ही कि बैंगन में से आम निकल आएगा, नहीं निकलेगा ना। तो ऐसे ही मनुष्य आत्मा जो है, पहले उनको समझाओ तुम ज्योति बिंदु हो। जो भी आत्माएं हैं, जो भी शरीरधारी हैं, वो शरीर नहीं है। शरीर तो आज है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी आत्मा तो कायम रहेगी। तो आत्मा है, जब आत्मा ये बात बुद्धि में बैठ जाएगी तब ये बताओ कि तुम भी बीज हो। और किस जाति के बीज हो? मनुष्य जाति के हो या पशु पक्षी जाति के हो या कीड़े मकोड़े की जाति के हो? जिस जाति के होंगे उसी में जन्म लेंगे। एक बार खड़ी हिंदी में बोल दो। अपने घर में मरेंगे तो उन्हें ज्ञान दो ना कि आप जो कहेंगे हम मरेंगे हम मरेंगे, तुम तो आत्मा हो अजर अमर अविनाशी, तुम थोड़े ही मरोगे। तो ये उनको बताओ ना, तुम कहां से क्यों कहते हो हम मरेंगे, तुम तो मरने वाले हो ही नहीं, तुम तो आत्मा हो। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब डंडा बजता है तो आंखें खुल जाती है। वो हमारी कमजोरी है, हम खुद भूल जाते हैं तो हम दूसरों को कैसे पक्का याद करा दें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाबा जो कोई आत्माएं प्रवेश न करती हो, एक तो मुकर्रर रसधारी है जिसमें कोई प्रवेश नहीं करता है सिवाय सुप्रीम सोल के, है? और प्रवेश करता भी है तो उसके जैसा हो जाता है। जैसे ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, सूक्ष्म शरीरधारी है, और जैसे ही उसके संपर्क में जाएगी वैसे ही बिंदु बिंदु बन जाएगी। और हाँ इंस्पिरेटिंग का मतलब है इंस्पायर करने वाली, उमंग उत्साह बढ़ाने वाली। तो जब हम उमंग उत्साह में आते हैं, ईश्वरीय सेवा करते हैं, उस ईश्वरीय सेवा का रिजल्ट भी देखते हैं, तो इससे साबित होता है कि कोई आत्मा ने प्रवेश करके हमसे काम कराया। लेकिन कभी हम डाउन हो जाते हैं तो इंस्पिरेटिंग पार्टी थोड़ी है वो तो हमारे पूर्व जन्म का हिसाब किताब है जिसके आधार पर हम डाउन हो जाते। बाबा ब्रह्मा महाराज की आत्मा जो है वो ज्यादातर की तरह में कब तक आती रहेगी? जब तक सूर्य प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक, दूसरी तरफ संपूर्ण चंद्रमा कैसे वो जब तक ज्ञान सूर्य उदय नहीं होगा तब तक दूसरी तरफ ज्ञान चंद्रमा अस्त कैसे हो जाएगा? जब पूर्णमासी का दिन होता है, पूर्णमासी माना चंद्रमा जब पूर्ण हो जाता है
होता कि नहीं? चंद्रमा जब संपूर्ण बनता है तो ज्ञान चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जब संपूर्ण बनेंगे माने उनकी बुद्धि में ये बैठ जाएगा कि गीता का भगवान मैं कृष्ण वाली आत्मा नहीं हूँ। एक बात रुका हुआ है सारा काम। तो उस समय तक उनका यही पाठ चलता रहेगा, अधूरा ब्रह्म है, पूर्णमासी का चंद्रमा नहीं है, अधूरा चंद्रमा है। तब तक शंकर के मस्तक पे विराजमान है। जैसे ही संपूर्ण बनेगा अस्त होगा और सूर्य प्रत्यक्ष हो जाएगा। लेकिन तुम्हें परेशानी क्या है उनके आने से? है वो आते हैं तो कम से कम कुछ न कुछ राज की बातें ही मिलती है ना। हाँ बाबा कहते हैं ना मुरली के विरुद्ध तो ब्रह्मा वो नहीं बोलती थी, अद्वैतवाणी को भी श्रीमद का कहा जाता है। लेकिन बहुत नया लोग पूछते हैं तो उसमें अद्वैतवाणी में दादी भी जो पर्सनल बातें पूछते रहे तो बाप दादा दादी क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, फलाना बिंदु वाले क्या कर रहे हैं, हाथ उठाओ, ये सब तो पहले मुरली में नहीं होता था। ये सब फालतू बातें हो गए ना अद्वैतवाणी को दूसरे देवी से, तो वो भी बाबा क्यों बढ़ जाए? हम तो समझाते हैं सब बाकी दादू की आत्मा हो गया दादी की है। शिव बाबा सारी दुनिया को पढ़ाने आया है या सिर्फ सूर्यवंशियों को ही पढ़ाने आया है? शिव बाबा का कनेक्शन हर धर्म की आत्मा से है या कोई विशेष धर्म की आत्मा से ही है? आता है, खास आता है भारतवासियों के लिए, सूर्यवंशियों के लिए, लेकिन आम रूप से सारी दुनिया का कल्याणकारी है। ऐसे तो अद्वैतवाणी में दादियों के लिए बोलने से नहीं होती, दीदी में जो कमजोर आत्मा है उसको बाबा दादियों के लिए बोले तो जो कमजोर आत्माएं होती है उन्हीं के अंदर ही ईर्ष्या देश होता है कि दीदी दादियों से इतना क्यों ऐसे मिक्स हुए पड़े हैं, उनको क्यों पूछते, हमको क्यों नहीं पूछते? राज उनकी बुद्धि में नहीं बैठा है, इसलिए देखा जाए तो दीदी दादियों को तो कुछ भी नहीं मिला, उनको तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा बहलाए रहे हैं, तो बहलाने भी नहीं देंगे। और कहता है क्लास और ग्राफ नहीं करना, मतलब बहुत बार चाय दे रहते हैं, मना करते चाय मना है, चाय क्यों नहीं पी सकते? अरे एडवांस वाले तो मुरली को मानते हैं, बेसिक वाले तो मुरली को नहीं मानते, दीदी दादियों को मानते हैं। और मुरली में बोला है कि देवता ने चाय पीते हैं क्या? फिर तुम्हें देवता बनना है ना, तो देवताओं का जो खान पान है सो खाओ पियो। हाँ जी और तो आज जो पूजा हो रही है मैं देती हूँ, इससे पहले मैं दे रही हूँ कि ज्यादा पूजा होती है जो मंदिर बने हुए हैं ये क्यों दिखाया इतना देवान जो दिया जाए? देवान होता है तो पूजा क्यों होती है? उन्होंने अपने को पूज्य बनाया होगा, नहीं बनाया होगा? पूज्य बनाया होगा तभी तो पूजा होती है कि ऐसे ही पूजा हो रही है? तो फिर आप ऐसा पुरुषार्थ किया होगा कि पूज्य बनी होंगी। बाबा क्यों बोलते हैं इतना देवान है? वो तो अभी बोलते हैं ना, कलयुग के अंत में जब लक्ष्मी लक्ष्मी बन जाएगी तब थोड़े ही बोला जाएगा, तब वो पूजनीय हो जाएगी। है बाबा बहुत लोग जो प्रश्न है कि बाकी मिनिमम से कैसे खाते रहते तो पूछते हैं कि महीना में दो दो बार जाते हैं, हर बार जाते रहते तो जम्मू जल्दी से नहीं पहुँचता? जम्मू वालों से पूछो कि तुमने जम्मू शहर जो बसाया है वो गोल चक्कर में क्यों नहीं बताया जिसमें दिल्ली के सब शहर आ जाते हैं? एक तरफ जाके वहाँ तुंडगस में जाके क्यों बैठ गए?
गोल चक्कर में होगा तो सब जगह एक ही चक्कर में सब जगह चले गए, और अलग एक तरफ जाना पड़ेगा दिल्ली से, तो वहाँ जाओ फिर वापस आओ, तो दुगना टाइम लग जाएगा ना। तो अभी बता दो अगले कल की ओर क्यों खेल रहे हैं? हाँ हाँ, तो अभी नहीं कर सकते जो काम अगले कल के लिए सोच रहे हो वो अभी क्यों नहीं कर लेते हैं? अरे जब पाकिस्तानी हिंदुस्तान में मिल जाएगा तो चक्कर बड़ा हो जाएगा ना, उसमें जम्मू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बाबा अभी जम्मू में जो वैष्णो देवी का मंदिर है पहाड़ियों के बीच में बनाया हुआ है, बहुत ऊंचाई में, उनके पीछे जैसे असुर था भैरवनाथ था, वो उनकी गर्दन काट के उससे भी ऊपर ऊंचाई में है। वो रुद्रमाला का मणका होगा। और तो भक्ति मत में बताया गया कि जो नुद्रमन भी है नुद्रमन करने लगे तो राशि को लगाया था नाजी को मुख कर दो है, देवता को लगा दिया पूछ कर दो है, जो अमृत लोग मिला राशि को, राक्षसों को कहाँ मिला, देवताओं को पहले बांटा गया भाई, राक्षसों को मिला बांटा गया था भाई, भले बांटा गया लेकिन उनका सर काट दिया है। जब विष्णु विष्णु आ गए ना लक्ष्मी राव उनका गए, हाँ जी, उनका सर कलम कर दिया, इसलिए वो राक्षस के राक्षस ही बने रह गए। हाँ, वो अंदर तक नहीं पहुंच पाया अमृत, और देवताएं जो है पूरा हजम कर गए। वो और चालाकी से लिया है या उन्होंने हिस्से से लिया? चालाकी से लिया ना, तो भगवान के सामने चालाकी चलेगी? अमृत तो जो मिला वो तो मिला, अमृत मिला ना मिला बराबर हो गया। बाबा उनका कहने से ये मतलब है विष्णु श्री के रूप में आते अमृत बांधा, देखो किसी का भी बांधा लेकिन विष्णु आके बांधा था, कभी विष्णु के पास आई नहीं वैष्णव में, पहले जो भी ज्ञान ले ले रहे ज्ञान। नहीं नहीं, ये कहो कि माला नहीं बनी अभी, जब वैसे भी आएगी तो माला तैयार हो जाएगी। कब आएगी बाबा? जब आएगी, जब आह्वान करेंगे तब आएगी। बाबा ने तो डायरेक्शन दे दिया कि विजय माला का आह्वान करो। अच्छा, टाइम हो गया।